जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घमौरी जैसे दाने हो गए हैं, जबकि वो घमौरी नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी दिक्कत हो जाती है कि उनके बहुत बारीक बारीक दाने पड़ जाते हैं, जो कि देखने में घमौरी महसूस होते हैं, लेकिन वो घमौरी होते नहीं हैं। उन दानों में खुजली भी घमौरी की तरह ही होती है, लेकिन जब आप खुजला देते हैं, उन दानों की यही पहचान है कि वो घमौरी नहीं है, कि उनमें पहले तो आपको खुजली महसूस होगी, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, जैसे कि घमौरियाँ होने पर होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आप अगर घमौरी के दानों में खुजली करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें से पानी या मवाद नहीं निकलता। लेकिन ये कुछ इस तरह की एलर्जी है कि देखने में तो लगता है ये घमौरी के दाने पड़ गए, लेकिन जब आप उनको खुजलाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और जब आप उन्हें खुजलाते हैं तो वही जो छोटे छोटे से दाने होते हैं वो बड़े बड़े छाले या फफोले का रूप ले लेते हैं, और उसके बाद में उनमें से हल्के पीले रंग का या हल्के गुलाबी रंग का तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि पानी या मवाद निकलना शुरू हो जाता है, या मवाद मिक्स उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो कि हल्का पीला या गुलाबी रंग का हो सकता है। तो ये एक तरह की बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक एलर्जी है। अब ये ख़तरनाक इसलिए मैंने इसको बोला क्योंकि ये एक ऐसी एलर्जी है, मान लिया आपके गले में थोड़े से पार्ट में हो गया है, इतने में हो गया, और उसमें बहुत खुजली हो रही है, आपने हल्का सा खुजला दिया, तो जैसे ही यहाँ से उठ के ये यहाँ पर इसका पानी लगता है, तुरंत ये यहाँ से इतना एरिया फिर से कवर कर लेता है। फिर जब आप यहाँ पर खुजला देंगे, इतना एरिया ये इधर का कवर कर लेगा, यानी कि ये बहुत जल्दी से फैलता रहता है। मान लिया आपके घर में किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी इस तरह की एलर्जी हो गई है, और उसके संपर्क में आने से फटाफट दूसरे को भी हो जाती है, या घर के किसी भी मेंबर को इस तरह की एलर्जी है, उसने आपका हैंकी, आपका टॉवल, कुछ भी अगर यूज कर लिया गलती से, तो उसके बाद में जो व्यक्ति उस व्यक्ति टॉवल या हैंकी को यूज करेगा, उसको भी इस तरह की एलर्जी हो जाती है। ये एलर्जी इतनी ख़तरनाक है कि अगर मान लिया घर में किसी एक मेंबर को है, उसके संपर्क में आने से, यानी कि अगर उसके सामने बैठ करके आप बात भी कर रहे हैं, उसके मुंह की भाप भी अगर आपको लग रही है, तो भी इस तरह की एलर्जी दूसरे को तुरंत हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक एलर्जी है। तो इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे, निजात कैसे पाएंगे, ये चीज़ें इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो जो मैंने लक्षण बताए, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घमौरी जैसे दाने एकदम से हो गए हैं, उनमें खुजली हो रही है, जबकि ऐसे कभी आपको घमौरी होती भी नहीं थी, या हो भी जाती थी, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो बिल्कुल इतने से एरिया में आप खुजला कर देखिए। अगर वहाँ से ज़रा सी भी आपको उसमें चेंज नहीं आता है, यानी खुजलाने के बाद वो छाले का रूप नहीं ले लेता है, वो बड़े बड़े फफोले या दाने का रूप नहीं ले लेता, उनमें से पानी नहीं निकलता, तो वो घमौरी है। लेकिन अगर उसमें जरा सी भी चेंज आती है, बदलाव आता है, वो छाले का रूप लेता है, फफोले बन जाते हैं, या उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, यानी वो घमौरी नहीं है, वो स्किन एलर्जी है। तो आप अलर्ट हो जाइए। अब करना क्या है, तो सबसे मेन चीज़ आपको अपने बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो नहाने के बाद में तुरंत मॉइस्चराइजर जरूर लगाते हैं, अधिकतर लोग लगाते हैं, या आप बॉडी लोशन लगाते हैं, या पाउडर डालते हैं, या आप परफ्यूम डालते हैं, तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको किसी भी हाल में यूज नहीं करना है। तुरंत आप अलर्ट हो जाइए, आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको नहाने के पानी में एक चम्मच फिटकरी डालनी है। फिटकरी के पानी से आपको नहाना है, लेकिन आपको नहाते समय साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। साबुन की जगह आप बेसन का इस्तेमाल कर लीजिए, यानी बेसन का एक लेप बना लीजिए, उपटन की तरह आपने पूरे बॉडी के ऊपर लगा लीजिए। 10 मिनट के बाद में आप बॉडी को गीला कीजिए और मलते हुए इस लेप या उपटन को उतार दीजिए, और आप फिटकरी वाले पानी से नहा लीजिए। साबुन आपको इसलिए नहीं लगाना है कि साबुन में कुछ ना कुछ केमिकल ज़रूर होते हैं, जो कि इस तरह की एलर्जी में बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं, यानी पूरे बॉडी में आपकी एलर्जी फैल सकती है, इसलिए आपको साबुन नहीं लगाना है। नीम,
आजकल बारिश का मौसम है, वैसे तो हर जगह नीम उपलब्ध है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर नीम नहीं मिलती। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर नीम नहीं मिलती है, तो जहाँ भी नीम आपको मिले वहाँ से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में नीम ला के अपने फ्रिज में आप स्टोर कर लीजिए, धो के साफ़ कर लीजिए पत्तियों को, उसके बाद में कपड़े में लपेट कर उसको पॉलीथीन में भर कर रख लीजिए। फिर इसी नीम में से आपको थोड़ा थोड़ा नीम इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? आप 2 लीटर पानी उबलने के लिए रखिए, तेज़ आँच पर उसमें एक उबाल जब आ जाए तब आपको उसमें एक मुट्ठी नीम की पत्तियाँ डाल देना है। फिर उस पानी को तेज आँच पर ही 2 उबाल और आने देना है, उसके बाद आँच को कम कर देना है। अब वो 2 लीटर पानी उबलते उबलते जब आपका 1.5 लीटर बचेगा, फिर आँच को बंद कर देना है। उसके बाद उस पानी को छान लेना है और अपने नहाने के पानी में मिक्स कर लेना है। तो इस पानी से नहाने से क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो भी इस टाइप की एलर्जी के बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके आपकी ये एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। नीम का आप चाहें तो लेप भी लगा सकते हैं, नीम की पत्तियों को साफ़ करके पीस लीजिए, एक चटनी जैसा लेप बना लीजिए, उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, उसके बाद अपने बॉडी में आपके जहाँ कहीं भी इस तरह की एलर्जी होती है आप उसको लगा लीजिए। अब लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्यूब, हालोक्स। हालोक्स नाम का एक छोटा सा ट्यूब आता है, जो मैं अपनी पहले पुरानी वीडियो में स्किन एलर्जीज़ की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उनमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। हालोक्स ट्यूब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, उसको आप ले लीजिए। इस तरह की स्किन एलर्जी आपको जहाँ भी हो गई है आप वहाँ पर लगाइए सुबह और शाम, 3 से 4 बार में आपकी स्किन एलर्जी एकदम ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसी एलर्जी के ऊपर कपूर और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और इस एलर्जी को धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म कर देता है। क्या करना है आपको, आपको 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है, यानी मैं आपको न्यूनतम मात्रा बता रही हूँ। अगर आपके पूरे बॉडी में एलर्जी फैली हुई है तो उसी हिसाब से आप इसकी मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है, उसमें 1 टिकिया कपूर की पीस कर डाल देना है, पानी के साथ में इसको मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करना है और अपनी एलर्जी वाले एरिया पर लगा देना है। 1/2 घंटे के बाद में आपको पानी से गीला करना है और धीरे धीरे मलते हुए इसको धो देना है। आप देखेंगे 5 से 6 बार इस्तेमाल करने के बाद में आपकी एलर्जी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगता है कि वीडियो काम की है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।